हमारे चैनल का नाम है लेट्स टॉक अबाउट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करिए। ये वीडियो को प्लीज लाइक करें, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक अबाउट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं मेरे जो प्लांट्स है वो कैसे बेसिकली कैसे प्लांट करती हूँ और उसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। ये जो सारे चीज़ों के लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहीं से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने और भी गार्डनिंग वीडियोस बनाए हैं, मैं यही यहाँ कहाँ पे लिंक कर दूँगी, आप डेफिनेटली उनको चेक करिए और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस बहुत सारे बनाती हूँ और आपको डेफिनेटली ये हेल्पफुल होंगे। तो मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ जो प्लांटिंग के लिए चीज़ें हैं वो है कोकोपीट। अगर आप देखेंगे ये मैंने एक गमले में कोकोपीट तैयार करके रखा है। अगर आपको ये देखना है कि कोकोपीट कैसे तैयार करते हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन ऊपर लिंक में दे दूंगी। तो ये कोकोपीट रेडी है मेरे, मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा है। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड एनरिच सॉइल। ये मैंने जो ब्रांड है वो गार्डना करके ब्रांड है, उसका मैंने वर्मी कंपोस्ट सॉइल लिया। मैंने इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे सुने थे तो मैंने ये लिया है। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे ये मैंने ट्रस्ट बास्केट का ग्रोथ प्रमोटर भी मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से। ये सारा परचेज मैंने अमेज़ॉन से किया है, लॉकडाउन में मैं कहीं पे जाती नहीं थी, सो आई हैव परचेज एवरीथिंग फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। इसका अगर आपको रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को डेफिनेटली बताइए, मैं डेफिनेटली इसको रिव्यू करके आप लोगों को बताऊँगी। दिस इज़ अ ग्रोथ प्रोमोटर। ये अगर आप देखेंगे ये मैंने टब भी अमेज़ॉन से मंगाया है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी। ये बहुत ही मल्टी फंक्शनल और छोटे जगह पे अगर आपको लेयर्स में ग्रोथ करना है, मतलब वर्टिकल ग्रोथ करवाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो इसके साथ नीचे बेस भी आ जाता है, जहाँ से कहीं पे पानी जो है वहाँ पे स्टोर होता है नीचे आता नहीं है, तो आपका जो बालकनी है वो ड्राई रहता है। तो इस ये तो मैंने पहले ही करके मतलब जो मिट्टी है वो डाल के रख दिया था। अभी मेरे जो तीन गमले हैं उसके बाकी है तो वो आज मैं करने वाली हूँ। अगर आप देखेंगे ये तीन गमले हैं, मैं इसको अभी सारे सॉइल और मेरे जो ग्रोथ प्रमोटर है उसको मिक्स करके विथ कोकोपीट मैं अभी इसमें डालने वाली हूँ। अगर आप देखेंगे मैं हमेशा नीचे एक तो बहुत अच्छे से इसको मैं होल कर देती हूँ, आई डोंट नो अगर आप देख पाएंगे या नहीं, यहाँ पे अगर एक जो जगह है वहाँ पे छोटे से होल होते हैं, मैं उसको काफ़ी अच्छे से होल करके रखती हूँ। और उसके बाद ये होल के यहाँ पे मैं कोकोनट शेल्स जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो रख देती हूँ जमा करके, और यहाँ पे मैं उसको डाल देती हूँ। बेसिकली ये इसके लिए डाला जाता है कि जो भी पानी है वो सही से सीप करे, वो जमे नहीं चीज़ों में। तो मैंने अगर आप देखेंगे सारे में ऑलरेडी पहले से डाल के रखा है ये कोकोनट शेल्स। मैंने और भी गार्डनिंग टिप्स अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगी। जब मैं बेसिकली मैं नर्सरी में नहीं जा पाई थी फॉर वेरियस रीजंस, तो मैं जब भी डी मार्ट गई थी हमारे ग्रोसरी परचेज करने के लिए तो मुझे ये बास्केट दिखे थे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। दो साइज़ के बास्केट है, वो जो कॉर्नर वाले हैं वो थोड़े बड़े हैं और ये चार छोटे हैं। तो ये जो बास्केट है बेसिकली नीचे होल नहीं होता है, साइड में काफ़ी सारा परफोरेशन है बट नीचे होल नहीं होता। तो मैंने एक टूल लेके नीचे अच्छे से 6 होल कर दिए है, बेसिकली 2 इंच के गैप में होल कर दिया था मैंने, सो दैट पानी जो है वो पास होके निकल जाए, पानी स्टोर नहीं हो, नहीं तो प्लांट सही से होंगे नहीं, मतलब वो उसकी ग्रोथ नहीं होंगे, बिकॉज वो पानी में ज़्यादा पानी से वो मर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसके नीचे ये कर दिया था। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफोरेशन था तो मैंने क्या कर दिया, जो हमारे कंपोस्टेबल गार्बेज बैग्स है उसको मैंने कट करके साइड में उसको लेयर लगा दिया कि वो साइड से जो मिट्टी है वो नहीं निकले। सो इसी तरीके से अगर देखेंगे ये दिखते भी बहुत ही खूबसूरत है और मैंने गार्डनिंग इसी से किया है और मैंने इनको लेबल कर दिया है। ये बेसिकली मेरे जो सारे लीफी वेजिटेबल्स है वो है, तो मैंने इसको अच्छे से लेबल कर दिया है। ये सारे जो लेबल वगैरह है इसके अमेज़ॉन लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैं काम कर लेती हूँ, पहले एक सीज़र ले लेती हूँ। मैंने नॉर्मल सा किचन सीज़र लिया है, ये मैंने सीज़र ले लिया है और मेरे पास ये एक टूल है ऑलरेडी जो मैंने सिंगापुर के ग्रोसरी स्टोर से लिया था, बट यहाँ पे भी ये अवेलेबल है। अगर चाहिए तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक दे दूँगी। तो ये ईजी होता है मिक्सिंग के लिए। नाउ ये जो वर्मी कंपोस्ट है मैं इसको ओपन करूँगी। ये काफ़ी अच्छे पैकिंग में आया है,
इसका जो टेक्सचर है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये काफ़ी वेट टेक्सचर का है। बेसिकली इट इज़ अ वेरी वेट एंड ब्लैक रिच सॉइल। सो अभी मैं ये जो सॉइल है इसमें डाल दूंगी। ये सो मैंने सॉइल डाल दिया है। नाउ वी विल हैव टू मिक्स इट वेल। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी जो ग्रोथ प्रमोटर है वो मैं डाल दूंगी। तो ये मैं रूट्स में भी डाल सकती हूँ। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये जो सॉइल है उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर 15 ग्राम्स रूट में आप डाल सकते हो, रूट के थोड़ा साइड में करके और पानी डाल देना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसके अंदर और एक पैक आता है, सो आई हैव टू ओपन दिस। मैंने काट लिया है ये, अगर आप देखेंगे ये मैं मिक्स कर देती हूँ। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस मच ऑफ सॉइल। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। नीचे ज़्यादा कोकोपीट है तो अच्छे से हमको नीचे से कोकोपीट लेके मिक्स करना है कि सारे जो चीज़ें हैं अच्छे से मिक्स हो जाए और सब प्लांट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये जो हमारा सॉइल है वो फुल न्यूट्रिशन से भर के एकदम बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई थिंक मेरे प्लांट्स जो है वो सही से अभी ग्रो होंगे। अब मैं इसको साइड कर देती हूँ और अभी एक ये जो मेरा प्लांटर है इसको रख देती हूँ और मैं सब इसमें डाल देती हूँ एक एक करके। तो ये एक प्लांटर रेडी हो गया है, अब दूसरा कर लेते हैं। ऐसे करके आपको सारे प्लांटर्स रेडी कर देने हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरे सारे प्लांटर्स को मैंने सॉइल जो मिक्स सॉइल है मैंने वो डाल दिया है। मैं इसको पहले असेंबल कर देती हूँ ये पॉट में, ये उसके ऊपर लेयरिंग कर देती हूँ। इस पॉट में मैंने ऑलरेडी जो गेंदे का फूल है उसके बीज डाल दिए हैं। तो ओनली वन दिस वन, ये नीचे दो बाकी है और अभी ये जो मैंने तीन लगाए हैं उसमें भी मैं अभी डाल दूँगी जो भी मुझे डालना है। सो बेसिकली अभी मैं जो मैंने प्लांट्स ऑलरेडी डाले थे मुझे उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं उसको वापस यही पे और प्लांट करने वाली हूँ। अगर आप देख सकते हैं ये सेम फेनिग्रीक मतलब मेथी, रेड स्पिनच, फिर ये सीड्स गार्लिक चाइव्स के कुछ सीड्स है, देन दिस इज स्पिनच, जो बड़े स्पिनच आते हैं इंडियन स्पिनच ये है, फिर ये जो है दिस इज़ बेबी स्पिनच और ये है कोरिएंडर। तो मैं इसी को वापस प्लांट करूँगी। अगर आप लेयर देखेंगे तो 1, 2, 3, ये फोर्थ वाले में ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है 4 एंड 5, सो पांच मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो ये पांच मैं इसमें डालने वाली हूँ अभी। तो लेट्स सी कैसे मैं डालती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो स्पिनच है मैं इसको अभी प्लांट करने वाली हूँ, अगर आप देख सकेंगे तो ये फर्स्ट लेयर मैं यही करूँगी। तो बेसिकली इसको कैसे करते हैं मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये मेरे पॉट्स रेडी हैं, तो मैं इसको बहुत ही स्कैटर्डली डाल दूंगी। पहले तो ये मैं डाल के मैं क्या करती हूँ, बेसिकली ये जो पैकेट है मैं इसको यही साइड में रख देती हूँ क्योंकि लेबलिंग के लिए मुझे फिर बाद में पता पड़ता है। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा लूज़ करके अंदर डाल दूंगी ऐसे प्रेस करते हुए। और मैं क्या करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा सॉइल लेके मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओवर लेयर कर दूँगी, थोड़ा सा वेरी लाइटली, जो सीड्स है वो इसमें बहुत ही लाइटली ढक जाएंगे। थोड़ा सा वेरी लाइटली मैं टैप कर रही हूँ इसको। फिर मैं जो सेकेंड लेयर है वो डाल रही हूँ कोरिएंडर का, अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने इधर थोड़े डाल दिए, इधर थोड़े डाल दिए और द कॉर्नर इसमें ये वापस मैं ये सेकेंड लेवल पे मैं ये टैगिंग के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। ये जो सीड्स है इसको अच्छे से प्लेस कर देती हूँ। यहाँ पे लाइट है तो आपको दिख जाएगा। वापस थोड़ा सा सॉइल लेके इधर अच्छे से मैंने प्लेस कर दिया। थोड़ा सा और सॉइल लेके ये मैंने ऐसे थोड़ा ऊपर से डाल के थोड़ा प्रेस कर दिया। सो मेरा सेकेंड लेवल हो गया है
थर्ड लेवल में मैं बेबी स्पिनच डाल रही हूँ। ये जो बेबी स्पिनच की सीड्स है मैं अच्छे से इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ। और उसके नेक्स्ट लेवल में आई कैन एक्चुअली टर्न दिस फॉर सम टाइम, यस आई विल पुट इट हियर। सेम वे में आई विल पुट सम मोर सॉइल ऑन टॉप ऑफ दिस, वेरी लिटिल, सो दैट थोड़ा वो कवर हो। इसी तरीके से मैं सारे लेवल्स में मेरे जो ये है सीड्स है वो डाल दूंगी। और सेम वे में इसके जो टैग्स है मैं इसी के अंदर रख दूंगी, सो दैट मैं बाद में इसको टैग कर पाऊँ। ये जो चिलीज है अब मैं इसको निकाल रही हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो। और ये मैं बास्केट लाई हूँ जहाँ पे मैं ये चिलीज को रख दूँगी। अगर आप देखेंगे इसके जो साइज़ है इट्स वेरी बिग। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कितने चिलीज हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। सो अगर आप देख पाएंगे मैंने आज के लिए इतने सारे चिलीज हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे और बड़े चिलीज आए हैं। ये मेरे जो चिलीज है ये आराम से 3-4 दिन मेरे लिए तो इनाफ हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और स्पाइसी चिलीज होते हैं, मैंने पहले भी ये ट्राई किया है। जो छोटे चिलीज है मैंने आज नहीं निकाला है, जो फुल ग्रोन चिलीज है जैसे अगर आप देखेंगे एक एक जो साइज़ है वो इतना बड़ा है, तो ये फुल ग्रोन चिलीज है मैंने वही निकाले हैं, बाकी सारे मैंने छोड़ दिए हैं कि वो और ग्रो करें। और अगर आप ये देखेंगे ये मैंने कोरिएंडर लगाए थे ये मेरे बास्केट में, ये अभी मैं आज हार्वेस्ट कर दूंगी। काफ़ी अच्छे बहुत ही हेल्दी कोरिएंडर आए हैं, तो अगर आप देखेंगे मैंने ऐसे ही बास्केट में जस्ट डाल दिए थे और ये बहुत ही अच्छे हिसाब से आ गए हैं। अब मैं इसको आज हार्वेस्ट कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे कोरिएंडर आ गए हैं। ये सारा मैं अभी इसको अभी वापस मैं फ्रेश लगा दूंगी इसमें। अगर आप देखेंगे ये जो येलो फूल आए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आए हैं, ये ककड़ी का है, ये जो लंबे वाले ककड़ी आते हैं कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, तो उसके मैंने ये पेड़ डाला था और ये बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जल्दी से अभी हमको फ्रूट्स देंगे।